चलो बेटा, हाँ ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि वेव पे तो किसी को डाउट नहीं था, वेव क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वाइब्रेशन के बिहाफ पे हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पे हमने बहुत डिस्कशन कर लिए थे, बेसिक्स हमने सारे पढ़ लिए थे, क्या है ये सब क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर मान लो मेरे पास एक वेव है, अगर किसी को कोई कलर में दिक्कत हो तो बोलना बेटा, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई वेव है, राइट, दिस इज द वेव, और ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग लाइक, कोई बच्चा मेरे को बता सकता है इसकी स्पीड कैसे निकालूंगा मैं? स्पीड सर, वेव की स्पीड। हाँ बेटा, वेव की स्पीड कैसे निकालूंगा मैं? वेव की स्पीड कैसे निकालोगे, क्या लगता है आप लोगों? एनी आइडिया बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैंने आपको क्या बताया ये बता दो बेटा, एटलीस्ट इसको मैंने क्या बताया आप लोगों को, व्हाट दिस वैल्यू इज कॉल्ड? एनी आइडिया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, अगर आपको याद हो तो। कुछ भी नहीं याद है क्या, सब भूल गए क्या? अरे भैया कहाँ, लाल याद कलर? हाँ बेटा, है सर, याद एक बच्चे ने बोला, आज मोहित भी नहीं आया। चलो हर बच्चे ने स्लोप, वेरी गुड, तुषार बच्चे ने कुछ अच्छा आइडिया दिया सर, स्लोप से एक्चुअली चाहे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी गुड। और किसी को? चलो कोई बात नहीं, बच्चे का जवाब बहुत प्यारा था। तो स्लोप वाला पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो देखा जाए बेटा, तो अगर इसी वेव पे मैं आपसे बात करूं, तो मान लो ये वेव बहुत दूर तक नहीं गई, जैसे सपोज ये देखो, ये देखो ऐसा कुछ वेव है, राइट, लेट मी जस्ट ड्रॉ वन मोर वेव, ये वेव कुछ ऐसे। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको क्या लगता है कौन सा वेव ज्यादा दूर जा पाएगा? हैं सर, पंडित थोड़ी ना जो है बेटा, ट्राई करो थोड़ा, कौन सा वेव ज्यादा दूर जा पाएगा, क्या लगता है? आइडिया तो लगाओ, तुक्का तो लगाओ, येलो वाला व्हाइट वाला कमेंट में कुछ तो लिखो, अरे कम से कम जिंदा नजर तो आओ, व्हाइट। चलो बच्ची ने लिखा व्हाइट, एटलीस्ट व्हाइट व्हाइट व्हाइट, चलो देखते हैं बेटा। अच्छा अच्छा व्हाइट, चलो सुनो बेटा, मैं देख पा रहा हूं एक चीज को कि ये जो है ना बेटा, अगर मान लो ये टी टाइम पे यहां पे पहुंच रही है, तो इसको टी से थोड़ा ज्यादा लगेगा, सोच के देखो, टी से थोड़ा ज्यादा, यस थोड़ा ज्यादा, हाँ सर टी से थोड़ा ज्यादा लगेगा। अच्छा टी से सर, ये टी पे पहुंच गई और इसको टी से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग गया सर हमको। अब सर अच्छा, टी से थोड़ा ज्यादा को मैं ऐसे लिख लू, टी प्लस डेल्टा टी, किसी को कोई दिक्कत बेटा अगर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टी प्लस डेल्टा टी, तो टी से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है इसको, सिंपल सी बात है। अरे मोहित बेटा बड़ा लेट कर दिया आज, चलो सर बायो की एक, क्लास हो रही थी। हाँ हाँ बताया बताया, तुषार ने बताया, ठीक है चलो, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर है। और किसी को कोई डाउट बेटा किसी तरह का तो बताओ, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है ना? देखो मोहित बेटा, अभी तक और बाकी जितने भी बच्चे ऐड हुए, तो मैं एक बार और बता देता हूँ शुरू से, लोग जो ऐड हो जाने दो, लोग ज्वाइन हो रहे हैं। देखो हमने ये पढ़ा अभी तक कि ये वेव होती है बेटा, राइट। अच्छा ये वेव की जो मैक्सिमम पॉइंट होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात हमने क्या देखी, हमने ये देखी बेटा कि अगर मान लो ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, तो इसमें ये वेव आती है बेटा, राइट, दिस इज द वेव। अब ये वेव में हमको ये पता लगाना है बेटा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो बेटा इस टाइम पे वेव यहां पहुंची, ठीक है, और टी से थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि ये वेव आ रही है, टी से थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ये वेव पहुंच रही है, ठीक। तो मैंने उसको लिख लिया टी प्लस डेल्टा टी, छोटा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ बेटा, ऑल गुड, नमस्ते नमस्ते बेटा, बेटा वाई एक्सिस पे मैंने एक्स लिया, एक्स एक्सिस पे एक्स लिया, सॉरी, ठीक है एक्स लिया, आई डोंट थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा, एक वेव ऐसे पहुंच रही है, एक वेव थोड़ी देर बाद पहुंच रही है सर, एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं बेटा एक वेव मान लो ऐसे पहुंच रही है, ठीक है पहुंचने दो, क्या करना है हमको, दूसरी वेव को जब हम देख रहे हैं बेटा, तो वो ऐसे पहुंच रही है, ठीक
ठीक। अब आपको ये बताना है कौन सा वेव देर से। हाँ नो इशू नो इशू नीलम बेटा, सर फिर से शुरू से। हाँ बताता हूँ बेटा, देखो मैंने ये बोला कि हमारे पास वेव है और अब वेव जो है ना कितने स्पीड से चल रहा है, हम ये निकालेंगे कि कोई भी अगर वेव चलता है तो भाई कितनी तेजी से चलता है। सर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अभी आपके मन में ये सवाल आएगा, सर आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो, हर वेव अपने अलग अलग स्पीड से चलेगा। हाँ बेटा अलग स्पीड वेलोसिटी से चलेगा, मैं भी जानता हूँ, पर कुछ तो चीजें होंगी ना जो जो सेम होंगी, उन सेम चीजों का रेशियो निकालेंगे हम, कि मतलब किस चीज को देख के हम ये बता देंगे कि वेव कितने देर तक चलने वाला है, कैसे चलने वाला है। सर ये भी कर सकते हैं, हाँ बेटा फिजिक्स में कर सकते हो, पर ये करेंगे कैसे, हम देखते हैं कि दो वेव है हमारे पास, एक वेव बेटा ये वाली है, हाँ सर, एक वेव व्हाइट वाली है, ठीक है सर। मैं बोलता हूँ कि येलो वाली वेव पहले पहुंच गई, ये पहले दिखी मेरे को, राइट, टी पहले, ठीक है, और ये व्हाइट वाली वेव टी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के बाद, ठीक है सर, थोड़ी देर के बाद ये दिख गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछू कितनी देर बाद या कितना ज्यादा डिस्टेंस येलो इज फास्टर देन व्हाइट, हाँ दे अलग है बेटा कुछ और, ठीक है चलो, येलो इज फास्टर देन व्हाइट, नहीं व्हाइट ज्यादा है ना, देखो। अच्छा बेटा अगर आप इस चीज को देख पाओगे, मैं एक चीज और बताऊं, तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस छोटा सा एक्स हो सकता है। नहीं, सर ये नहीं समझ में आया, छोटा सा एक्स का चक्कर नहीं समझ में आया, इसका मतलब है सीधा सा बेटा कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डेल एक्स। डेल एक्स ये क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, छोटा सा डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, इसको मैं ऐसे लिख लूं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सर ये तो बड़ा है, ये बड़ा है पक्का, चलो बेटा वो तो लास्ट में पता चलेगा, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल एक्स, इसको ज्यादा लग रहा है, क्लियर है क्या, ये डेल एक्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है व्हाइट वाले को एज कंपेयर टू येलो वाला, कितना ज्यादा लग रहा है, डेल एक्स ज्यादा लग रहा है, चलेगा क्या सर, मेरी लिंक नहीं हो, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, लिंक ओपन करने में किसी और को प्रॉब्लम आ रही है क्या, एनीवन, नो सर नहीं ये बच्ची को क्यों दिक्कत आ रही है, फिर कोई नहीं एक बार और चेक करके देता हूँ इसको, नो सर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई बेटा, येलो वाला वेव जो है पहले दिख जाएगा, व्हाइट वाला वेव डेलेक्स डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा होगा इसलिए थोड़ा देर से दिखाई देगा, क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट। सर सर टॉपिक कौन सा, ये टॉपिक है बेटा स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव, राइट, चलो चलो आई थिंक यहाँ तक तो बिल्कुल बात नॉर्मल चल रही थी, आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का डाउट आएगा, अगर अभी भी डाउट है तो देख लो बेटा, एक वेव ये थी मेरे पास थी भाई पीले रंग की, चलो कोई नहीं, एक पीले रंग सर, अभी की, जो अभी तक पढ़ाई पर रिपीट कर दो। ठीक है करता हूँ बेटा, चलो अभी कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, बस ये वाला टॉपिक खत्म करा दो, ये है येलो वेव बेटा एंड दिस इज द व्हाइट वेव, राइट, ये था व्हाइट वेव हमारा, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोला डेल एक्स है बेटा, टी टाइम पे यहाँ दिख रहा है और ये थोड़ा सा देर बाद दिख रहा है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे दिख रहा है, आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को किसी तरह का डाउट है, चलो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक वही डायग्राम को बेटा मैंने यहाँ पे बना दिया, सर नहीं हो रहा, जस्ट टू गिव मी सेकेंड, मैं ही देख लेता हूँ अपने एंड से, नहीं हो रहा है क्या, चलो कोई नहीं मैं लिंक भेज दूंगा और क्या करूंगा, बच्ची का नहीं हो रहा है ज्वाइन, चलो एनीवेज, चलो देखो बेटा अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये डेल एक्स मतलब छोटा एक्स डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। अच्छा अब आप लोग को स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या, कोई ऐसा है जिसको स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता, क्या होता है भाई स्पीड का फॉर्मूला बताओ यार, मैं भूल गया, 9th वाइन में पढ़ा था, सर डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस बाय वेरी गुड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है सर ये फॉर्मूला होता है, आपने बोला हमने माना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बेटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वेव, टी से डेल्टा टी कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है देख के बताओ, सर डेल एक्स एक्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और छोटे टाइम में ट्रेवल कर रहा है बेटा सोच के देखो,
कम टाइम में ट्रेवल कर रहा है, मैंने ये सीख बताया आप लोगों को अभी। वेलोसिटी को भी मैं बेटा चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, सोच के देखो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड था ना सर, स्पीड को वेलोसिटी आप कैसे लिख दिए, मैं बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, अभी के लिए आपको समझ में आ गया। मैं चाहोगे तो स्पीड लिख लो या वेलोसिटी लिख लो, एक ही बात होने वाली है। क्या बात कर रहे हो सर, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, एक बात कैसे हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, अभी इतना समझ में आया बेटा, वेलोसिटी इज वेव हैज डायरेक्शन। यस तुषार बेटा, वेव हैव ओनली वन डायरेक्शन जहां से वो प्रोपोगेट होता है। तो अगर आप देखो तो स्पीड का फॉर्मूला हमको क्या पता है सर, स्पीड इज इक्वल टू आप लोगों ने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा मैं डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन कर दूं तो अब ये क्या बन जाएगा, मान लीजिए कि स्पीड, हाँ क्योंकि उसके पास एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है बेटा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी बन गई, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी बन जाएगा। समझ नहीं आया सर, ऐसा फॉर्मूला किसी किताब में नहीं देखा बेटा। बुद्धि बुद्धि, अच्छा बुद्धि, देखो अगर मान लो बेटा ये आदमी इस तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, अभी ये स्पीड है कि वेलोसिटी आप बताओ क्या लगता है, स्पीड है वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकेंड से कहीं भी चल सकता है, चार दिशा है इसके पास, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अब मैं इसको बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में चल रहा है तो ये क्या है, अब दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। और अब मैं बोल दूं कि बेटा एक ही डायरेक्शन संभव है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आया क्यों मैंने स्पीड को वेलोसिटी लिखा, क्योंकि वेव के पास एक ही डायरेक्शन है बेटा, यहीं से शुरू होगा भैया और याद जाना ही पड़ेगा इसको, राइट, डायरेक्शन इज फिक्स्ड, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक। आई थिंक यहां तक तो भाई किसी को कोई तरह का डाउट नहीं होगा, ठीक। अच्छा सुनना, अब मैं कुछ चाइनीज लिखने वाला हूं, ओके यस सर। द मोशन, अब सुनना, द मोशन ऑफ द वेव, द मोशन ऑफ द वेव इज फिक्स्ड अबाउट इट्स, कहां से बेटा होके गुजरना पड़ेगा पेंडुलम को, क्या बोलता हूं मैं हमेशा, मेरा फेवरेट वर्ड मेन पोजीशन करके कुछ बोलते रहता हूँ, मेन पोजीशन, अबाउट इट्स मेन पोजीशन, कुछ भी हो जाए मेन पोजीशन पे, चाय पे गुजारोगे बेटा वेव को, देखो हमेशा मेन पोजीशन पे होके गुजर रहा है, हमेशा मेन पोजीशन पे होके गुजर रहा है, दिख रहा है क्या सबको, हाँ सर हमेशा देखो मेन पोजीशन पे होके गुजर रहा है, ठीक है, चाय से मत गुजारो यार वेव को। चलो अब यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का दिक्कत तो बताओ, मेन पोजीशन से क्यों होके गुजर रहा है, ओके आई थिंक क्लियर है। अच्छा अब मैं काम करता हूं, ऐसा कुछ लिखता हूं इक्वेशन, के एक्स प्लस ऑफ माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू, सर सर टाइम, सर टाइम आपने नेगेटिव लिख दिया, सर टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम नेगेटिव होता है बेटा, टाइम नेगेटिव होता है, हाँ टाइम नेगेटिव होता है, हाँ बेटा टाइम नेगेटिव होता है, वेव के लिए टाइम नेगेटिव होगा नहीं, माइनस ओमेगा बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ पढ़ा था, हाँ लेकिन सर ये लिखा गया है आपने, यही नहीं समझ में आ रहा है हमको तो। अच्छा कोई बात नहीं, अब बताता हूँ मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है बेटा कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, तो सर फेज डिफरेंस पढ़ के टाइम हो गया, क्यों होता है टाइम ट्रेवल, अरे नहीं यार बेटा देखो टाइम दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट टाइम, ठीक है, एक होता है रिलेटिव टाइम, तो एब्सोल्यूट टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे मेरे लेक्चर का टाइम, मेरा लेक्चर का टाइम कितना है 1 घंटे का है, 1 आवर, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, रिलेटिव टाइम इज नेगेटिव। अगर आपने देखा होगा कोई भी मूवी तो उसमें बोलते हैं T-3 सेकेंड, याद है मूवी वूवी में, या T-2 सेकेंड रॉकेट के लॉन्च पे, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और आपके ही उसने बोला है बिग बैंग थ्योरी, जानते हो धरती की उत्पन्नता कब हुई, बिग बैंग थ्योरी सुना है क्या, yes, sir, जानते हैं। तो आप आपने जब जन्म लिया T=0 पे जन्म लिया होगा, मान के चलता हूँ 2008 में आपने T=2, तो क्या इसके पहले का टाइम नहीं था क्या, इसके पहले हम लोग जंगल में थोड़ी ना जो रहते थे, घर पे रहते थे, ठीक है, हाँ एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस लेते 2006 वही बेटा, ठीक है, तो हम तो रहते थे ना, मतलब आपके लिए टाइम क्या हो गया T-3, T-1, T-2, समझ पा रहे हो इस बात को, तो बेटा टाइम नेगेटिव होता है, बात आपके एनसीईआरटी में दे रखी है,
ठीक है, बस आप उसको डीकोड नहीं कर पाओगे, अभी थोड़े छोटे हो। ठीक, चलो क्लियर बेटा। अच्छा, इसमें एक्स जो है ना, ये पोजीशन है जो चेंज हो रहा है, लिख देता हूं मैं, डोंट वरी, पोजीशन बेटा जो चेंज हो रहा है, ठीक, और टी भी चेंज हो रहा है बस। ये मैंने क्या लिखा, किसी को कुछ भी समझ में आया? मैंने आपको एक बात बोली थी याद है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद आया कुछ थोड़ा बहुत? हाँ सर, yes, sir. अच्छा मैं अब इसको ऐसे कर दूं, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, ये तो सर फेज है। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा ये फेज को ही मैं कांस्टेंट कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ इस फेज को ही कांस्टेंट कर देते सर। पर क्यों कांस्टेंट कर रहे हो सर आप? ताकि बेटा वेव जो है वो अपना एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज ना करे जब तक हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, होगा क्या अगर वेव का एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज होगा? मान लो बेटा आप बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है, मान लो हाथी चला रहा है गाड़ी को, सोच के देखना, इमेजिन करो हाथी गाड़ी चला रहा है। अब मैं उसको आबरा कटाबरा करके चूहा कर दूं, तो गाड़ी तेज चलेगी या स्लो चलेगी? तेज चलने लगेगी, राइट। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों इस टर्म को कांस्टेंट किया, कि भाई तेज ज्यादा मत करना, तू जितने पे चल रहा है उतने पे ही चल, पहले पढ़ाई कर लेने दे मेरे को, समझ में आया? ठीक है, इसके लिए मेरे को इनके फेस को कांस्टेंट करना पड़ा कि भाई अब बदलाव का स्कोप नहीं है यहाँ पे। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी अभी डाउट आ रहा है, अगर आ रहा है तो बता दो बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अब सुनना बेटा, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। कंपेयरिंग द चेंज, कंपेयरिंग द चेंज है, ये क्या है सर? ये इलेक्शन के बाद का है? नहीं बेटा, इलेक्शन के बाद का नहीं है। अब एक तरफ हम ये देखेंगे कि अगर कांस्टेंट रह रहा है तो क्या हो रहा है, और एक तरफ चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, इस चीज को समझेंगे। बाप रे, कुछ नहीं है बेटा। अच्छा, मैंने इसको ही क्यों लिखा? क्या मैंने आपको बताया कि x और t चेंज हो रहे हैं बेटा? x और yes, sir. चेंज हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा समझ में आया सर। अब जल्दी से बता दो, यहाँ कुछ कैंसल वैंसल हो जाएगा सर? थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे। अरे ठीक है, माइनस, अरे फिर से माइनस आना चाहिए यार, क्या दिख रहा हूं मैं? कुछ कट रहा है क्या बेटा, देख के बताओ आप लोग, कुछ कट रहा है आप लोग के हिसाब से? के एक्स, चलो तुषार बच्चे ने बोला के एक्स, ये लो बेटा, और जी बेटा, यस सर। अच्छा, इस तरफ क्या बच गया? जीरो इज इक्वल टू के डेल एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी। सर सही बताया ना सर, तो थोड़ा बहुत ऊपर वाला है, फोटो समझ में आया था, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, पर अब आंसर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब इतना देख लो बस, के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी लिख सकता हूँ। सर माइनस कहाँ गया बेटा? ये इधर से आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है बेटा, यहाँ तक डाउट तो बताओ, कुछ भी छोटा मोटा बहुत मोटा नहीं? चलो ठीक है, तब ठीक है बेटा। अच्छा, ये डेल एक्स अपॉन डेल टी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। हाँ सर, ये दिख तो रहा है सर, तो ये क्या होता है बेटा? अभी मैंने क्या बताया था सर? स्पीड एंड वेलोसिटी वेव के लिए दोनों सेम रहेगी। हाँ सर, थोड़ा सर वो के क्या है? के के बारे में छोड़ दो बेटा, वो मेरा नाम का फर्स्ट लेटर है, एक्चुअली मैंने इसको इन्वेंट किया था ना, इसलिए मैंने अपना नाम का पहला अक्षर दे दिया। ठीक है, तो के क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, बट एक रेशियो है बेटा, ये समझ में आ गया क्या आपको? ऑल गुड, आई थिंक थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, हल्का फल्का समझ में आया बेटा? Yes, sir. सर हम कर क्या रहे हैं ये नहीं समझ में आया बेटा, हम स्पीड फाइंड कर रहे थे कि अगर दो वेव एक साथ चल रही है, शायद एक आगे एक पीछे, तो दोनों की स्पीड में क्या अंतर होगा, क्या सिमिलैरिटी होगी, ये चीज को निकाल रहे थे, तो दोनों का रेशियो इसके बराबर होगा। अच्छा, अब आप लोग कुछ ऐसा करते थे बेटा, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? फॉर स्मेली वेरी स्मॉल चेंज, आई थिंक सो किया होगा मैकेनिक्स में। डी एक्स, वेरी गुड तुषार बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, आई थिंक सब ने ये काम किया होगा। ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है सर? सर सर ये हमको पता है, ये इसको हम जानते हैं, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, इसने पूरा गेम बर्बाद कर दिया हम लोग का शुरू से।
हाँ बेटा ये वही वेलोसिटी है जिसको आप मन भर के गाली दे भी नहीं सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है चलो, अब अगर आपको थोड़ी बहुत भी बातें याद हो बेटा लास्ट लेक्चर से, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 2 पाई अपॉन में टी, याद है क्या? Okay. और के की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ लैम्डा अपॉन 2 पाई। हाँ ये कहाँ से आया? टेंशन मत लो बेटा, बता दूंगा, अभी के लिए फोकस कर लो, ये कट जाएगा। हाँ सर ऐसा कुछ आंसर आएगा। अच्छा 1/ टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, 1/ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सर अब क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सिंबल आ जाएगा और ये होता है वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव। तो वेलोसिटी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, उसके वेव लेंथ और उसके फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है बेटा, ये कर रहे थे सर अभी तक हम लोग। हाँ बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि जो भी वेव होगी उसकी वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन होगी, तो उसकी वेलोसिटी उसके एम्पलीट्यूड से और कितनी रफ्तार से वो आगे चल रहा है, इस दो चीज का मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन होगी। क्लियर है? याद रहेगा बेटा ये बात थोड़ा बहुत? नहीं यस सर। चलो 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 चलो, आई थिंक थोड़ा बहुत तो याद रखना है यार कम से कम। अच्छा सर नीट में डेरिवेशन से भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं बेटा, केस बोल के आपको दे देंगे, केस बोल के जनरली क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला इनफ है। राइट, ये तो मैंने आपको बताया कि आता कहां से। राइट चलो, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। चले बेटा आगे। सर ये वी के साइड में, लैम्डा के साइड में, ये वी नहीं है बेटा, इसको न्यू बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यू। ठीक है सर, सर वो म्यू यू की तरह होता है ना, इसलिए पूछ रही हूं। हां हां, वो थोड़ा सा बेटा ना वी ऐसे बेंड हो जाता है, जैसे पहले मैं पढ़ता था ना अपने टाइम में, तो मैं बोलता था इसको वी बोलूं, इसको वी बोलूं, किसको वी बोलूं, पगला लोग कैसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था। चलो कोई नहीं, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर के क्या है बेटा? के इज योर एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। अब नंबर दिखा के काउंटर पे टिकट वगैरह लिया है क्या किसी ने? लिया है क्या नंबर वगैरह दिखा के किसी ने? अरे भाई टोकन वोकन लेते नहीं हो क्या मेट्रो में? बिना टोकन के मेट्रो में किसी ने सफर किया आज तक? नो सर। सर हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे हमें तो। नहीं घुस, इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे करा था जब छोटे थे 3 फीट से। अच्छा हाँ, शुरू में जब वो बंद रहा था तो हाँ बच्चे लोगों थोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ कार्ड से तो मैं भी ट्रैवल किया, और शाम को गलती से मत कर लेना, नहीं तो तुमको लगेगा कि तुमको पता चलेगा पॉपुलेशन का स्पेलिंग क्या है एग्जैक्टली राजीव चौक पे। फो बाप रे, सांस नहीं आता यार उसके अंदर तो मेरे को। यस सर, ऐसा लगता है पालिका पूरा उठा के उसके अंदर भर के लेके जा रहे हैं लोग। अरे भैया छोड़ दो यार। चलो ठीक है, एनीवेज आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा होगा कि किसी भी वेव का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है हाँ बेटा, पागल लोग उसमें बहुत होते हैं। ठीक है, तो ओपन हो गया। चलो चलो चलो, अब शायद बच्ची का लिंक ओपन हो गया। ओके सुनो बेटा, अच्छा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग अच्छा गाना गाते हैं यार? कितने लोगों को लगता है? और कितने लोगों को लगता है कि उनका सुर सुनने के बाद तबला भी अपने आप अपना प्राण छोड़ के चला जाएगा? कौन लोग? आप लोग, आप लोग कोई भी गाना? मेरे पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। नहीं पापा नहीं, आप लोग में बताओ बेटा, आप लोग में रिजाइन कर रहे हैं? ओहो सर बहुत अच्छा गाते हैं सब। स्क्रीनशॉट ले लूं क्या? ओवर कॉन्फिडेंस हो तो इतना ज्यादा हो, हालांकि टक्कर तो दे देंगे हम सोनू निगम को भी। ठीक है चलो। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि लड़कों के साथ की बाथरूम में लड़के जो है गाना गाते हैं तो अच्छा गाना सुनाई देता है? दिस हैपेंस, ऐसा हुआ है क्या? हुआ है? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे उनके अंदर का सोनू निगम बाथरूम में ही जागता था, तो बाथरूम में साउंड आवाज इतना अच्छा क्यों आता है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मेरे को बोला गया कि गिटार सीख लो बहुत अच्छा होता है, तो मैं गिटार सीखा। ठीक है, और हुआ कुछ नहीं अच्छा।
है, सुनो अब ध्यान से। चलो सपोज कर लेते हैं बेटा ये वॉल है मेरा, वॉल राइट, दीवाल जानते हो, ठीक है, ये है दीवाल। अब क्या होगा आप लोग बताना इस चीज को बेटा, दिस इज द वॉल। अब यहाँ पे ये चीज केस को सुनना बेटा, मान लो यहाँ से कोई गाना गा रहा है वन कॉर्ड, हाँ वन कॉर्ड आता है क्या? ठीक है बेटा तब तो सही है, कुछ होता नहीं है वैसे, सब बेवकूफ बनाते। चलो एनीवेज ठीक, अब सुनना, मान लो बेटा यहाँ से मैं गाना गा रहा हूँ राइट, अब ये गाना क्या होगा, दीवार से टकरा के आके मेरे कानों पे आएगा, उसके बाद मेरा प्राण निकल जाएगा अपना आवाज सुनने के बाद। सोच के देखो ये गाना जो मैं खुद से गा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दीवार सुन के क्या बोलेगा, वापस ले जाओ और शकल मत दिखाओ, जीने दो हमको और खुद भी जियो। तो बेटा ये ऐसे गया, हाँ सर, ऐसे टकरा के वापस आएगा, सोच के देखना इस चीज को, ऐसे टकरा के वापस आएगा राइट। और गलती से कोई यहां रहेगा बेटा तो वो तो मर जाएगा मेरा गाना सुनने के बाद। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? खत्म, ठीक है खत्म, बाय बाय, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको, पर सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि ये सुनने के बाद बेहोश हो जाएगा मेरा गाना, सवाल यहाँ पे ये है बेटा कि ये बेहोश तो हो रहा है पर क्या सेम फ्रीक्वेंसी से ये वापस आ रही है दीवार से टकरा के? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सेम से आएगी बेटा, सोच के देखो। नहीं सर। अरे बहुत बेसुरा बेटा, नाबीना ताल वाल सब हिल जाएगा मेरा गाना सुन लोगे तो, ठीक है, वो तो गिटार ने बचा रखा है, वो भी थोड़ा थोड़ा बजाने आता है, टंग टुंग टंग टुंग, बस ऐसा ऐसा करते रहो, बस बजते रहता है वो, नाखून उखून ये चमड़ा उमड़ा सब चेंज हो जाता है। चलो हाँ बेटा सीख लिया था मैंने इंजीनियरिंग में, कुछ और काम था नहीं, दोस्त बोले यही करते हैं सारे साइंस वाले टीचर्स गिटार के सीखते हैं। हाँ बेटा बेटा जिंदगी एक टाइम बाद बहुत अलग लगने लगता है, लगता है कि नेचर अर्थ या मदर अर्थ जो है वो हमसे क्या चाहती है हमको भी नहीं पता है, तो हम गाना में ही सुख ढूंढते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जरूर जरूर बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गिटार लिया था मैंने, ठीक है, ऐसा लगा था कुछ दुनिया बदल देंगे, बाद में पता चला यार पढ़ना भी होता है इंजीनियरिंग में, तो दुनिया बदल गई, ठीक है। एनीवेज काम की बात पे आते हैं बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब बेटा वेव यहां से जाएंगे ऐसे, ठीक है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप बच जाओगे, और नहीं रही बेटा तो आपके ही कान इसको सुन नहीं पाएंगे। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, फर्स्ट गेट हो आप अच्छा चलो कोई नहीं, अब सुनना, अब ये चीज बेटा घूम के वापस आपके पास आ रही है, बट सेम फ्रीक्वेंसी से तो नहीं आ रही है सर, सेम फ्रीक्वेंसी से नहीं आ रही। अभी तक सर समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि क्या दो वेव एक साथ मिलकर सुनाई देंगी आपको? इसी ऐसा कुछ हुआ है कभी? आप चिल्ला रहे हो वही चीज दोबारा रिपीट हुआ हो, इको जैसी कुछ बोलते हैं सब लोग उसको। यस सर। यस सर। नहीं क्या? अच्छा ये हो क्या रहा है, मेरे को अब ये फिनोमिना जानने में बहुत इंटरेस्ट है बेटा। जैसे ये दो वॉल था, इसके बीच में मैं खड़ा होकर गा रहा था, ठीक है, तो हो क्या रहा था ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। चलो ये पता लगाते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, ईयरफोन सबने यूज किया है क्या? मतलब बोट वोट का नहीं, कोई अच्छा ब्रांड का? यस सर। हाँ नया घर बनता है तो भी आप लोगों ने किया होगा, तो उसमें नॉइस कैंसिलेशन देखा है क्या? मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता है, ऐसा हुआ है? नॉइस कैंसिलेशन जबरदस्त होता है। जैसे मेरे एक दोस्त के पास वो आला है, उसमें तार तूर नहीं है, और मेरे वाला में तार है, तो मैं दिन भर तार लेके घुसाते रहता हूँ, भाई तार इसमें चला जाए यार, तार इधर चला जाए, ठीक है। तो बिना तार वाला उसका बहुत तगड़ा ईयरफोन है, उस कंपनी का नाम है पाइनएप्पल, ठीक है, बहुत जबरदस्त आवाज है और उसका नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा दो बार टैप करो फोन उठ जाता है। वहां पे हो क्या रहा होता है वो जानने में हम इंटरेस्टेड है कि कैसे एक 100 रुपए के ईयरफोन में नॉइस जो है वो नहीं मिलता है और दूसरे वाले में नॉइस मिलता है, ठीक है, ये क्या हो रहा होता है यार? चीज तो वही है ना, सेम चीज है, बट कैसे उसमें नॉइस कैंसिलेशन ज्यादा है, इसमें नॉइस कैंसिलेशन कम है? व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड दैट? हम इस चीज को सीखेंगे। अच्छा बेटा ये बात कितने लोगों को पता है? टू एप्पल प्लस टू एप्पल कितना होगा? फोर एप्पल, ठीक है सर, ये क्या बता रहे हो? अरे बताओ तो, टू डेरी मिल्क प्लस टू डेरी मिल्क, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई किसी को नहीं पता है तो बताओ, फोर काउ प्लस थ्री बफेलो, हाँ भाई काउ काउ जानते हो सर, ये इसका क्या लेन देन है सर पढ़ाई से? है बेटा है, टेंशन मत लो,
सर फोर काउ और थ्री बफेलो को कैसे जोड़ेंगे? सही बात है, बात समझ आ रहा है? अनलाइक टर्म, वेरी गुड। दैट मीन्स हम सिर्फ सर। लाइक चीजों को जोड़ सकते हैं। एक बात हमको समझ में आई, वी कैन ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। हाँ यस सर, सर। लाइक टर्म्स ऐसा कुछ पढ़ा था सर बचपन में, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर, लाइक टर्म्स करके कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा बेटा, अगर आपने लाइक टर्म्स पढ़ा था तो नाउ माई इंटरेस्ट टू दिस इज कि मेरे को अगर वेव को ऐड करना है तो, वेव को ऐड करना है। हाँ बेटा, मेरे को दो वेव को ऐड करना है। सर समझ नहीं आया सर, दो वेव को ऐड करना है ये आप कैसे बोल रहे हो, ये नहीं समझ में। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। मान लो बेटा मेरे पास एक वेव कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज अ वेव और मेरे को दो वेव को जोड़ना है। सर वेव जुड़ते हैं? हाँ बेटा वेव भी जुड़ते हैं, डोंट वरी। देखो सपोज दिस इज द वेव, ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई, ठीक है। नोड एंड नहीं, नोड एंटी नोड नहीं बेटा, नोड एंटी नोड नहीं। अभी तो अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी नहीं लाऊंगा, बाद में लाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब इस कर्व को प्लस मेरे को दूसरे एक कर्व को जोड़ना है बेटा। दूसरा कर्व मेरा कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है बेटा बस इस चीज को, नहीं तो इसमें आपको फिर बहुत मैथ्स करनी पड़ जाएगी और आप फंस जाओगे, ठीक है। अगर इस चीज को सीख लिया तो आपकी मैथ्स थोड़ी सी कम हो जाएगी, सुनो, ठीक है। सेम उसी तरह का वेव पैटर्न है इसका, बस कलर इसका बेटा थोड़ा सा अलग है। कलर कौन सा रख दूं, कलर जल्दी बताओ। नीला, पीला, हरा, काला? काला तो नहीं रख पाऊंगा, ब्लू ब्लू रख दूं? चलो, मोहित बच्चे ने बोला ब्लू, चलो ठीक है, ग्रीन भी रख दूंगा, डोंट वरी। ब्लू दिख रहा है क्या बेटा? अब अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या होगा बेटा? जो जोड़ सर जोड़ना कैसे है सर, यही नहीं पता है। जोड़ूंगा आप कैसे बोल रहे हो बेटा? इनको जोड़ दो। जोड़ दो कैसे? जोड़ू सर, मेरे को तो समझ नहीं आ रहे जुड़ेंगे कैसे। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे जुड़ेंगे। देखो बेटा ये देखो, मान लो अब ये ऐसा कुछ वेव है, ठीक है सर। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट वेव को पेस्ट कर दिया, ये था मेरा फर्स्ट वेव, ठीक है। येलो वाला वेव सर पेस्ट हो गया, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई और ये है टी। अच्छा अब मैं दूसरा वेव भी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ये वाला। अब देखते रहना बेटा, एक बहुत बड़ी बात आपको पता चलेगी कि अगर मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है बेटा? कुछ अंतर पता चल रहा है क्या? कुछ अंतर पता चल रहा है? अंतर नहीं सर। अच्छा ऐसे जोड़ते हैं? हाँ बेटा ऐसे जुड़ता है वेव, ऐसे वेव सर समझ नहीं आया बेटा। देखो अगर मैं अब आपको बोलूं कि इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो, राइट, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सर रिजल्टेंट में तो सर वेक्टर वेक्टर आता है ना? नहीं बेटा, रिजल्टेंट का सीधा सा मतलब क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है कि इसमें वेक्टर वेक्टर आता है तो मैं अभी बता देता हूँ। एवरेज, ठीक है, वेरी गुड, शायद हाँ ठीक है, सही पकड़ा बेटा आपने। मैं क्या बोलूंगा, A1 यानी कि येल्लो का ए जोड़ दो आप, या सिर्फ ए लिख देता हूँ। एक काम करो आप, येल्लो का ए को जोड़ दो, और किसके ए को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे मेरे को रिजल्टेंट मिल जाएगा, सोच के बताओ बेटा। आप लोग सोच के बताओ। सब ब्लू वेरी गुड, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे को रिजल्टेंट मिल जाएगा? हाँ सर। बेटा। अच्छा दोनों का एम्पलीट्यूड ए के बराबर नहीं लग रहा है? लग रहा है सर, ए सर। के बराबर। तो ए प्लस ए कितना यस होता है सर? ए प्लस ए लाइक टर्म है तो टू सर। होगा, टू ए तो आपको समझ में आया बेटा इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? टू ए। यस सर। अच्छा अब इस पॉइंट पे जो बताएगा मैं मानूंगा कि उसको ठीक ठाक थोड़ा बहुत वेव्स का आइडिया हो गया। यहाँ पे ये रिजल्टेंट कितना आएगा आप बताओ? सर -2a। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है, ठीक है, -2a, वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आया बेटा वेव को ऐड कैसे करते हैं? थोड़ा आइडिया लगा क्या? यस सर। इसी चीज को लोगों ने सर बोला सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, यानी कि एक दूसरे के स्थान को देखने वाली चीजें, दिस इज कॉल्ड एज। इसमें तो बहुत बड़ी अब मैथ्स है बेटा, मैथ्स वाले रास्ते से भी लेके चलूंगा, अब तुमको देखना है और मैं एग्जैक्टली बता दूंगा। अच्छा मैथ्स वाले रास्ता जितने लोगों ने अपनाया था, 2a sin थीटा आया था शुरू में, यस सर व्हाट इज दैट 2a? ये था बेटा, एक कर्व दूसरे कर्व के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया तो उसका एम्पलीट्यूड दुगना हो गया, अब वो सेम नहीं रहा, तो वो 2a यहां से आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कोई इस चीज को रिलेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो नो वरी, ठीक है, मैं और भी सिखाता हूँ अभी। यहां तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर नो सर।
एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात लिखी थी, एवरेज किसने लिखी थी, आई थिंक अनलाइक टर्म, किसने लिखी थी एवरेज, तुषार ने लिखी थी, तुषार ने, वेरी गुड। एवरेज बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा, देखते रहना आगे चल के। चलो अब ये तो सेम टर्म्स के लिए हो गया, अगर मान लो बेटा दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है तो, विच इज द रियल केस जो हम हमेशा पढ़ेंगे। अच्छा दोनों का वेवलेंथ अलग अलग पढ़ेंगे, हाँ बेटा दोनों का वेवलेंथ अलग अलग होगा तो सर तब कैसे जुड़ेगा, सर घबराओ मत, घबराओ मत, बताता हूँ कैसे जुड़ेगा। देखो बेटा सपोज ये एक वेव है, राइट, हाँ सर ये वाली एक वेव है, ठीक है। अब ये मैं मान के चलता हूं बेटा इसकी एम्पलीट्यूड है ए, ठीक, ध्यान से देखना बस इस चीज को और आपका काम हो जाएगा क्लियर। ये हो गया सर ए। अब मैं बोलता हूँ एक और वेव है बेटा, दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना। अभी मैं सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, एडिशन सिखा रहा हूँ बस, ठीक है। दूसरा वेव कुछ ऐसा है, अरे ये कैसा बन गया, देखो बस। अब दूसरा वेव मैं यहां से शुरू करता हूं, दिख रहा है बेटा, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, इसका ए है, इसका माइनस ए है, इसका माइनस ए है बेटा, सेम एम्पलीट्यूड के, बस थोड़ा सा डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, चलेगा क्या बेटा, क्योंकि वो एग्जैक्ट स्केल है, आई थिंक आप लोगों को समझ तो आ गया होगा। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा। सर ये प्लस ए में माइनस ए जुड़ेगा तो जीरो, वेरी गुड, जीरो, वेरी गुड। सुनना अच्छा बेटा, वेव तो डेटा कैरी करता है तो जीरो तो नहीं हो सकता। अरे सर जीरो होगा, हाँ बेटा जीरो होगा, पर जीरो कैसे होगा, जीरो कैसे होगा ये नहीं पता मेरे को तो, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ जीरो कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखो। इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच विल रिप्रेजेंट कि ये जो वेव है बेटा, ये जो वेव है ये ऑलमोस्ट जीरो को टच कर रहा है, राइट, एंड दिस विल कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। किसी को बेटा एडिशन करने में दिक्कत वेव को, मैं और एक सॉल्यूशन बताता हूं, मतलब और एक तरीके से बताता हूं कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों वेव जो है सिमिलर हो, जैसे दो एप्पल हमने जोड़ दिए, राइट। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी कि कुछ इस तरह का शेप हो, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा जो सबसे टफ और सबसे अजीब मानी जाती है, जिसको समझना थोड़ा सा कठिन है, पर अगर ध्यान लगाओगे बेटा तो इसको भी सीख लोगे, दिस गोज लाइक दैट। अब दोनों कर्व बेटा एकदम अलग होंगे, ठीक है, आधे डर जाएंगे, ठीक है। मान लो ऐसा कोई वेव है मेरे पास, ठीक है सर, कोई ऐसा वेव है, चलो ये एक वेव हो गया। दूसरा वेव मैं बोलता हूँ इसके साथ आपको अब इस वेव को ऐड करना है बेटा, और विच इज नॉट सो इजी वर्क एंड इजी टास्क टू डू। देखो कैसे बनाऊ, बहुत सारा बना दू या छोटा छोटा बना दू, आप लोग बताओ। ऐसे बना देता हूँ, छोटा छोटा बना दू, हाँ छोटा छोटा कर दिया बेटा मैंने। अब भाई इन लोग दोनों को पेपर पे जोड़ सकता है क्या कोई बच्चा, ट्राई कर सकता है, एनीवन, बोथ सम डिवाइडेड बाय टू, हाँ तुषार बेटा ऐसे ही कुछ करूंगा मैं, ठीक है कुछ ऐसे ही करूंगा, पूरा तो ऐसे नहीं करूंगा। अच्छा कोई बात नहीं मैं ही करके देता हूँ, कि कोई जोड़ पाएगा क्या, चैलेंज लेता है कोई, नहीं नहीं, अरे यार पहले ही तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, इसका मैं रिजल्टेंट दिखाता हूँ कैसे आएगा, देखो ध्यान से यार, चलो देखो एक एक करके दोनों वेव को मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ, पहले ये वाला कर लूँ फर्स्ट वेव, देखो ये वाला वेव को सबसे पहले कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट पेपर में, कैसे देखो बेटा मैं अभी जोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये मत बोलना सर आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं बेटा पेपर ही मान के चलो इसको, मैं पेपर पे भी ऐसे जोड़ देता, मैं क्या कोई भी जोड़ देता, मतलब तुम लोग भी जोड़ लोगे, ये दिख रहा है क्या बेटा, हाँ दिख सर, आप जोड़ो, बोल रहे थे सर जोड़ोगे, चलो जोड़ो। सुनो बेटा अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो क्या ये पार्ट बेटा ज्यादा दिख रहा है, ये वाला ज्यादा दिख रहा है क्या, ये पार्ट देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, हाँ सर नीचे भी बेटा अगर आप देखो तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, हाँ सर, सर जी चाय पियेंगे, नहीं 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 बेटा अभी पिया मैंने, टॉन्सिल हो गया इसके लिए नहीं पी रहा हूँ अभी, ज्यादा गर्म गर्म चीजें ही पी रहा हूँ लेकिन अपनी, ठीक है चलो। अब देखो
क्या यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है बेटा, ये एरिया ज्यादा है? यस सर, ये सब तो दिख रहा है हमको। अब आप ये बताओ दोनों वेव को एक के ऊपर एक इम्पोज कैसे करोगे? सर तुरम खान बन रहे थे, चलो करो। देखो बेटा मैं क्या बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं काम करता हूँ, रुको थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद होप की थोड़ी पिटाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जरूरत होता है, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, देखो इसके बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं एवरेज लूंगा कि मान लो ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं ताकि जो एक्स्ट्रा है वो कवर हो जाए, नीचे थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं, अगेन ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, नीचे थोड़ा सा कम। तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं बेटा दिस इज द रिजल्टेंट? सोच के देखो, ग्रीन वाला इसमें सब कुछ आ गया बेटा, दिस इज द रिजल्टेंट। ये बात आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी, मैं फिर समझाता हूं, ठीक है। वो ब्रश एक्चुअली में ना मेरा टूथब्रश है, मैं उसको ऊपर रख के भूल गया, अब वो उसको लेके जाके खेल रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा उसका टाइम टाइम पे इलाज जरूरी है, ठीक है। मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, टॉन्सिल है, ठीक है। चलो हाँ मेरे ही है, मेरा टॉन्सिल है, ठीक है। चलो एनीवे सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटा, इस चीज को आप समझ पाए क्या कि ये ऊपर मैंने क्यों इतना ज्यादा किया बेटा और इसको नीचे मैंने क्यों इतना ज्यादा किया, दिख रहा है क्या? ताकि जो एक्स्ट्रा चीज है ना वो यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे रिजल्टेंट बताओ, बी पॉइंट पे रिजल्टेंट बताओ और सी पॉइंट पे, तो क्या आएगा बेटा रिजल्टेंट की वैल्यू? एनी वन ऑफ यू, ए पे क्या आएगा रिजल्टेंट? इसको वाई वन वाई टू ले लो, क्या दिक्कत है, पीले वाले को ले लो वाई वन और इसको ले लो वाई टू। अब कोई बच्चा बता दो यार कम से कम, कोई नहीं, मेरे को लगा था कोई तो कुछ बोलेगा, नहीं। चलो ए पे रिजल्टेंट कितना है, वाई वन प्लस वाई टू, सिंपल सी बात थी, इतना क्या सोचना था, आप लोग सोचने लग गए। चलो बी पे सी पे निकाल दोगे? Yes, sir. क्या आएगा वाई थ्री प्लस वाई फोर या जो भी आप मान रहे हो। ये बात मुझे पता है कि 99 बच्चों को नहीं समझ में आई, परसेंट बच्चों को। अब इसको हम थोड़ा और एनालाइज करके देखते हैं क्या बोल क्या रहा था। सुनो बेटा यहाँ पे आपको एक वेव दिख रहा है क्या, इफ यू आर एबल टू सी दिस वेव पर्टिकुलर? यस सर, ठीक है, आई थिंक सबने सब देख पा रहे होंगे इस चीज को, थोड़ा सेंटर। अब आप देखो बेटा यहाँ पे एक ब्लू वेव दिख रही है क्या आपको, थोड़ा ब्लैक से लिखता हूँ, ये वाली ब्लू वेव दिख रही है, दिस इज ब्लू वेव, राइट। अब सुनो बहुत ध्यान से सुनो बेटा, इस पॉइंट पे फोकस करो, यहाँ पे एक ब्लू वेव है और एक ग्रीन वेव है, दिख रहा है दो वेव? हाँ सर दो वेव दिख रहा है, एक ब्लू वेव दिखा सर और एक ग्रीन वेव दिखा बेटा। अब रेड वाला उसका रिजल्टेंट है, देख रहे हो आप इस बात को? यस सर, यस सर। तो क्या रेड वाले में बेटा ये एक्सेस सब कुछ आ गया, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, ग्रीन का ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया, सोच के देखो, थोड़ा सा नीचे ज्यादा कर दिया हमने, तो एवरेज पकड़ पाया हम इस बात को, आप समझ रहे हो क्या? एवरेज थोड़ा बहुत एक बार में नहीं समझ में आएगा बेटा, सुपर इम्पोजिशन थोड़ा टाइम लगता है सुपर पोजिशन समझने में, बट इतना आपको समझ में आया बेटा कि हम एक तरह का एवरेज ही लेके चल रहे हैं कि ऊपर थोड़ा कम है तो ऊपर बढ़ा दिए, नीचे थोड़ा कम है तो नीचे बढ़ा दिए। अब इसमें एक खासियत होता है बेटा, अब इसका जो एम्पलीट्यूड आप देख रहे हो ना, क्या सबका एम्पलीट्यूड सेम लग रहा है बेटा? सोच के देखो, सारे रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड सेम लग रहा है? यस सर। ये कैसे हो गया सर? बेटा इसको जोड़ा और घटाया ऐसे ही जाता है कि इनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो जाए, फिर बताता हूँ, इनको जोड़ा या घटाया ऐसे ही जाता है बेटा जिससे कि इसका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो जाए। कुछ कुछ चाइनीज में जो मैंने बोला हल्का फल्का समझ पाए क्या बेटा? वी जनरली ऑप्ट फॉर अ रिजल्टेंट वेव, हम लोग जनरली बेटा एक रिजल्टेंट वेव मान के चलते हैं। पूरा समझ आया पक्का? सुपर पोजिशन? यस सर। कंफर्म हो? यस सर। सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत होगा। yes, sir. अब इसमें भी दो तीन तरह की चीजें आती है, दोनों तरह की चीजें मैं अभी आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो क्लियर आइडिया लगा होगा, हल्का फल्का मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत ज्यादा भी इसमें कुछ अभी इतना आप छोटे हो, इतना ज्यादा सीखना भी नहीं है, बट ठीक है। ठीक है अब सुनना, ये चीज को आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ कर रखा है इन्होंने चाइनीज सा। देखो बेटा दो वेव तीन बिचारों के पास, ये देखो दो वेव, दिस इज वेव वन, दिस इज वेव
टू। अब इन दो वेव को इसने जोड़ा तो बेटा इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, अगर मान लो ये भी वाई है और ये भी वाई है तो एम्पलीट्यूड कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पे, क्या लगता है कोई लिख दो कमेंट में। हेलो 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 बेटा, वाई प्लस वाई टू वाई, वेरी गुड टू वाई राइट। अच्छा आप एक चीज देख पा रहे हो कि इसकी पीक की हाइट बढ़ गई है, हाइट यस सर पीक इंक्रीज, हाँ सर हाइट ऑफ पीक इंक्रीज। तो बेटा जब भी हाइट ऑफ पीक बढ़ेगी ना आप उसको बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान रखना जब भी हाइट ऑफ पीक बढ़ेगी आप उसको बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। और जब भी हाइट घटेगी आप उसको क्या बोलोगे, हाइट घटेगी तो आप उसको बोलोगे डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये तो बात में मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी लिखाऊं तो कोई फायदा है क्या बेटा, आप लोग बता दो, अगर बोलोगे तो मैं लिखा दूंगा बट इसमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव का पीक देखो आप, पीक पीक कम हो रहा है राइट, इसमें पीक डिक्रीज होता है दैट्स इट, और उसमें पीक इंक्रीज होता है, ठीक है। किसी को डाउट बेटा यहां तक तो बताओ सर। अब एक रियल केस दिखाऊं, कुछ समझ में आएगा रियल केस में, अगर समझ पाए तो देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं, रियल केस है ये, दिस इज अ रियल काइंड ऑफ वेव, देखो कितने लोग इसको देख के समझ पाए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत सर। जब अपोजिट वेव होती है, हाँ बेटा अपोजिट वेव होगी तो डिस्ट्रक्टिव ऑटोमेटिक बन जाएगी, जैसे जरूरी नहीं है यहाँ पे देखो इस केस में दिख रहा है क्या सर, ये क्या है सर, ये वॉल ऑफ चाइना क्या है, कुछ नहीं बेटा वो इसका हाजमा खराब था इसके लिए इसने उल्टी कर दिया है सर, ठीक है। नहीं नदियां बह गई, रो रहा है ये असली तरंग। देखो बेटा अब सुनो, अब मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, दिस इज योर वेव वन, हाँ सर ये था वेव वन, दिस इज योर वेव टू। अब बेटा मैंने बताया था ना एवरेज लिया जाता है, सोच के देखो मैंने ये बताया था आपको एवरेज लिया जाता है, हाँ सर एवरेज सर, पर ये कैसा एवरेज है सर, बेटा ये भी एक एवरेज है, देखो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये एवरेज है एक तरह का, ठीक है, जिसमें हर चीज जो है समा जा रही है, ये दिस इज द एवरेज ऑफ वेव राइट। अब ऊपर से कैसे निकालो यार, ठीक है तो ये तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, चलो कोई नहीं, ओहो ठीक है कोई बात नहीं, समझ पा रहे हो आई थिंक इस चीज को, इसमें किसी को कोई तरह की दिक्कत तो बताओ, किसी को दिक्कत सर हम कैसे बनाएंगे रिजल्टेंट, बेटा आपको रिजल्टेंट नहीं बनाना है खाली समझना है, रिजल्टेंट तो अभी आपको नहीं बनाना है until and unless you are not going medical field, resultant तो आपको वैसे भी नहीं बनाना है। मैंने आपको जोड़ने का तरीका सिखाया कि आप वेव को देख के ही वेव को जोड़ लो, ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत मैथ्स वैथ्स करेंगे, फॉर्मूला लगाना है बस। अब फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसे मैं फॉर्मूला से अगर आपको जोड़ना सिखाऊं बेटा तो मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं ये वेव जो है ना इसकी इक्वेशन क्या लिखो, तुम ही लोग बता दो, ए साइन ओमेगा टी लिख देता हूं, ए साइन ओमेगा टी, थोड़ा यहां से लिखना शुरू करता हूं, इसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस के टाइम एक्स वन, ठीक है सर ये तो वेव वन की इक्वेशन हो गई, क्या पता हमारा वेव टू कुछ ऐसा इक्वेशन फॉलो कर रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस, में तुम लोग ही कुछ बता दो, लिख देता हूं मैं के एक्स टू लिख दूं, के एक्स टू चलेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, इनको जोड़ेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वाई वन प्लस y2, that means a sin omega t plus kx1 एक तरफ plus a sin omega t plus kx2 एक तरफ, कितने लोगों को लगता है sin common आ जाएगा, raise hand करो, कितने लोगों को लगता है a common आ जाएगा वो raise hand करो, थोड़ा जितने लोगों को लगता है a common आ जाएगा वो raise hand करो, चलो काफी लोगों को लग रहा है ए कॉमन आ जाएगा, तो ठीक है बेटा आप लोग सही हो, ए ही कॉमन आता है एट द एंड ऑफ द डे, कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला वर्मूला लगाना पड़ेगा है ना, क्या बोलते हो तुम लोग सब, लगा दूं फिर फॉर्मूला वर्मूला कुछ कुछ लगता है इसमें, यस सर यही लगाएंगे सर, यही लगेगा, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुनो बेटा वाई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊं तो, इज इक्वल टू वाई वन प्लस
पाई टू, ठीक है सर। अभी आपने बताया इसकी वैल्यू आ रही थी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ले लूं या छोटा कर दूं इसको? आप बोलोगे तो छोटा कर दूंगा, बोलोगे तो बड़ा कर दूंगा। छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं बताओ? छोटा कर दूं। छोटा कर दूं, चलो थोड़ा सा इक्वेशन में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा कर रहा हूं तो वेव की इक्वेशन ही चेंज कर देता हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो जो मैंने पहले लिया था, याद है के एक्स माइनस, ये पहले, हाँ पहले वाले ले लिया बेटा, किसके भी पहले वाला ले लूं, ए साइन ओमेगा के एक्स, इसके भी पहले वाला ले लूं बेटा, सही है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस में फाइव। अच्छा फाइव को मैंने क्या बताया था पिछले चैप्टर में, अगर किसी को याद हो तो? इनिशियल फेज, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। अब वेव है बेटा, मान के चलता हूं ऐसा कोई एक वेव है और ऐसा कोई एक वेव है, दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या उत्तर आएगा, इस बात को समझेंगे। बस यही है इसका पूरा सारांश, ठीक। अब इसको तो कराना पड़ेगा, आज तो नहीं, अगले क्लास में मैं करा रहूंगा, पर यहां तक बेटा आपको समझ में आया रिजल्टेंट तक? यस सर। किसी को डाउट तो बता दो। आज हमने ये सीखा कि वेव को जोड़ते कैसे हैं, बाद में इसमें बहुत मैथ्स लगाएंगे हम लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। आ गया किसी को डाउट कोई भी टॉपिक में बेटा, यहाँ तक डाउट तो बताओ सर। हाँ बोलो बेटा।